बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हजरत जनियद बगदादी दजला के किनारे जा निकले और आपके शागिर्द भी थे आपके साथ तो वहां बहلول मिले बहلول एक मजदूब थे तो कहा कि चलिए इनसे दा बात करते हैं तो शागिर्दों ने कहा यह तो एक दीवाना शख्स है और आप इससे क्या मिलेंगे आप इतने पढ़े लिखे आलिम और इतने बड़े फकीर और सूफी और एक दीवाने शख्स से आप मिलेंगे दुनिया उसको दीवाना कहती थी बहलोल दीवाना लेकिन सादी बोले के सादिया नजदीक राय आशिका आशिक मजनू नंदो तो मजनू लोग हैं तो खैर हजरत जुनेद बगदादी गए और बहलोल को सलाम किया कहा कि आप कौन है तो कहा मैं जुनेद बगदादी हूं तो कहा क्या करते हो कहा कि मैं पढ़ने पढ़ाने की जुम्मेदारियों में लगा हूं तो आपने फरमाया कि खाने के आदाब जानते हो तो कहा कि हाँ हाथ धोए बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ी जाए छोटा लुकमा लिया जाए और चबा चबा के खाया जाए और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहा जाए तो बहलोल कहने लगा कि मैं तो आपको बहुत बड़ा आलिम समझता था आप तो खाने के अदब को भी नहीं जानते और अपना कपड़ा उठाया झाड़ा और एक जानव चल दिए शागिर्दो ने कहा हमने आपको कहा था कि इस शख्स के पीछे जाने का क्या फायदा ये तो दीवाना शख्स है तो कहा नहीं मैं इसके पीछे जलता हूँ फिर आप उसके पीछे भागे तो फिर बहलोल ने पलट के देखा कहा कि कौन हो कहा कि मैं जुनेद हूं आपको मिलने आया हूं तो आपने फिर एक सवाल किया गुफ्तु लंबी हो जाए तीसरी मरतबा जब वो अपना दामन चाड़ के गुजरे तो फिर आप आगे बढ़े उन्होंने पूछा कौन हो उन्होंने कहा कि मैं एक आम सा शख्स हूं तो आपके पास जो है वो सीखने आया हूं तो कहा कि मैंने तुमसे पूछा था कि खाने के आदाब क्या हैं तो तुमने ये बताया था कहा जी मैंने तो यही पढ़ा है और मैंने यही बताया है तो कहा खाने का सबसे पहला अदब यह है कि लुकमा हलाल का हो बाकी लुक में छोटे छोटे तोड़ के खाए या चबा चबा के खाए या जो है वो पानी पहले पिए या बाद में पिए कहा ये बातें बात की है सबसे पहला अदब खाने का यह है कि लुकमा तयब हो लुकमा ताहिर हो लुकमा पाकिजा हो अल्लाह अकबर तो हमारे रब ने हमें पाकिजा रिज खाने की तलकिन फरमाई है तो अल्लाह के महबूब ने उस शख्स का जिक्र किया जो लंबा सफर करके आया और वो कहाबत के सामने खड़ा वो अल्लाह ताला जल्ला शाहू को पुकारता है और क्या कहता है या रब या रब अश अश अकबर उसके बाल बिखरे हुए हैं और उसका लिबास फटा हुआ है पर गंदा सी हालत है और अल्लाह के घर के सामने खड़ा है लंबे लंबे हाथ करके दुआ मांग रहा है या रब या रब ए मेरे अल्लाह ए मेरे अल्लाह लेकिन फ़रमाया व मतम हराम व मशरबह हराम व मलबसू हराम वजिल हराम फन्ना युसतजाब लिजालिक फरमाया कि उसने जो खाया है वो हराम का है उसने जो पिया है वो हराम का है उसने जो लिबास पहना है वो हराम का है फरमाया उसको जो गज़ा दी गई है वो गज़ा हराम के माल से उसे हासिल हुई थी मैं फन्नाजाबलिक मैं मुझे बताओ कि उसकी दुआएं कैसे कबूल होंगी। वो काबातुल्ला के पर्दे को थाम के खड़ा है, मुल्तजम से लिपट के रो रहा है। वो हतीम में खड़ा है वो के अंदर भी चला गया की पे, पे भी खड़ा, है, मताफ में खड़ा है वो हजर असवत के साथ लिपट के दुआएं मांग रहा है मुकाम इब्राहिम के पास खड़ा होकर दुआएं मांग रहे है, ये मुद्दो या उसके हाथ लंबे लंबे हैं या रब या रब के कलेमा उसकी जुबान पे हैं और अश अकबर आलूदा बिखरे हुए उसके बाल है और, कि और अल्लाह के घर में खड़ा है तो वो क्यों नहीं माफ करेगा मलबसराम वजिल हराम उसका खाना पीना लिबास और गजा हराम की थी फाना युस्तुल उसकी दुआएं कैसे कबूल होंगी बल्कि ने लिखा कि जो शख्स हराम कमाई खाता है उसकी अपनी दुआएं तो कबूल नहीं होती नेक लोगों की दुआओं से भी उसका हिस्सा निकाल दिया जाता है जब अल्लाह के बंदे औलिया कामिलीन दुआएं मांगते हैं और वो पूरी उम्मत के लिए पूरी कौम के लिए मांग रहे होते हैं लेकिन उस शख्स का हिस्सा निकाल दिया जाता है जिसका रिस्क पाकिजा नहीं है इसलिए रिस्क की पाकिजगी ये बहुत अहम है रूमी अलहमा फरमाते हैं कि अगर तुम्हारा रिज पाक होगा तुम्हारा रिज सुथरा होगा तुम्हारे सीने में मार्फत का नूर पैदा होगा और अगर तुम्हारे सीने में गिल रिश और हसद बुगस कीना और नफरतें पैदा हो रही हैं तो फिर तुम गौर करो कि तुम्हारे रिस्क में कोई मसला है तुम खाते हो उसके नतीजे के अंदर हसद पैदा हो रहा है बुगस पैदा हो रहा है नफरत सुस्ती और काली और इबादत से दूरी पैदा हो रही है जो रिस्क हलाल है वो इबादत के लिए तकवीत पैदा करता है वो तुम्हें सच्चाई की जिंदगी गुजारने की तरफ रागब करता है तो अहम तरीन चीज जो है वो रिस्क की पाकिजगी है